नमस्कार, आप सभी को गुरुकुल में स्वागत है। मैं हूं आचार्य बापू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आपके परिवार के जितने भी सारे लोग हैं सभी स्वस्थ हैं और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज मैं एक हमारे एक बन जो हमारे एक व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था कि साबर मंत्र का रहस्य के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो उस विषय में एक थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, साबर मंत्र का रहस्य कोई नाथ संप्रदाय का कोई योगी या जो अघोरी होते हैं या आप जो दूसरे विज्ञान मतलब दूसरे मंत्र विज्ञान के जो शोधकर्ता हैं उस इस विषय में बहुत अच्छा समझा सकते हैं। फिर भी मैंने भी अपने ज़िंदगी में कुछ साबर मंत्रों का उसका जो सहायता लिया है और मैंने भी साबर मंत्र को जो प्रभाव है उसको जाना है, तो इस विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा करने वाला हूँ। दरअसल देखिए, लोग अक्सर साबर मंत्र क्या है, कैसे आया साबर मंत्र और कौन कैसे जाप करना है क्या करना है, ये सभी को पता है। यानी साबर मंत्र के बारे में लोगों को पता है कि साबर मंत्र एक तीर के भांति तीक्ष्ण होता, मतलब बहुत शक्तिशाली होता है और उसका वार कभी खाली नहीं जाता है, वो अचूक वार होता है। पहली तो बात है, साबर मंत्र किसी के लिए कोई देहाती मंत्र, गांव देहात में ऐसे बात करते ऐसा मंत्र हो सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े जो विद्वान पंडित लोग इस मंत्र को कहते हैं कि ये बहुत बुरी भाषा में लिखा होता है, इसमें कोई वेद नहीं ज्ञान नहीं, वो उसको नकार देते हैं कि सत्य में ये मंत्र काम करता है या क्या नहीं, से डाउट में रह जाते हैं। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए पंडित, एज ए प्रिस्ट, एज ए मंत्र शोधकर्ता, एज ए एक साइंस स्टूडेंट, एज ए आई टी प्रोफेशनल, मैं इस चीज़ को मेरे ज़िंदगी में बहुत बार इसको साबर मंत्र को उपयोग किया है और मैं जानता हूँ इसका शक्ति कितना प्रबल है। इसलिए मेरा मानना है कि ये साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर इस मंत्र को अगर सही तरह से गुरु के माध्यम से यानी गुरु परम गुरु शिष्य परम्परा से कोई भी साबर मंत्र लेते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी साबर मंत्र को आप छोटा या गलत या गंदी भाषा इस टाइप का कभी मत समझे, क्योंकि देखिए आप के लिए साबर मंत्र क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक लाइन में साबर मंत्र का जो डिफाइन करना चाहता हूँ वो है भाव का मंत्र। जैसा भाव वैसा चलता है साबर मंत्र। जब तक इस मंत्र के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास और भक्ति नहीं रहेगा, मंत्र को भी आपको भक्ति दिखाना पड़ेगा तभी जाके ये साबर मंत्र काम करेगा। जैसे कि बहुत सारे आप तो जानते हैं उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है कि बहुत सारे जैसे प्रबल बरबर बराठी और अढ़िया डार ऐसे बहुत सारे साबर मंत्र का जो है भाग है कहाँ पे कौन सा किस मंत्र साबर मंत्र है और है। लेकिन हालांकि बहुत सारे जो ज्योतिष हैं वो भी कुछ बहुत सारे ग्रहों का भी साबर मंत्र वो देते हैं और साबर मंत्र को कैसे यूज़ करना है उसको भी बताते हैं और बहुत सारे जो अपना समस्या के लिए भी साबर मंत्र का यूज होता है। तो इसीलिए कोई माने या ना माने ज़िंदगी में साबर मंत्र का प्रयोग हर किसी से करता है। अगर ये साबर मंत्र गलत होता तो कभी भी आदिनाथ इस चीज़ को कभी आगे लेके नहीं आते, वो कभी भी आगे नहीं आ पाता। इसीलिए साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली है। साबर मंत्र को करने से पहले आपका अंदर भक्ति चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट को जानना आवश्यकता है। कभी भी आप दिखावे में साबर मंत्र का ऐसे दिखावा मत करिए। मानो कोई भी साबर मंत्र आपसे किसी से प्राप्त हुआ है, भरी सभा में आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोले ओम आदेश गुरु गुरु ऐसा करके मत बोलिए, क्योंकि ऐसा करने से मंत्र का प्रभाव कम जाता है। सबसे बेहतर होता है कि आजकल जो कुछ ऐसे छोटे से बाजार में कुछ लोग ऐसे कुछ साबर मंत्र लिख लिए और उसको प्रकाशन में छाप लिए, फिर उसी मंत्र को लोगों को वितरित कर रहे हैं। ऐसा मंत्र कभी मत पढ़े। साबर मंत्र हमेशा कोई नाथपंथी से जो दीक्षित हैं उनसे आप पूछ के उनका परामर्श लेके आप साबर मंत्र को ले सकते हैं। उनसे लेने के बाद आपको कोई त्रुटि नहीं होगा और गुरु परंपरा के हिसाब से आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी नाथपंथी बनना है, लेकिन वो अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो साबर मंत्र का ज्ञान भी आप दे सकते हैं। हर महाविद्या का साबर मंत्र है, हर देवादेवियों का साबर मंत्र है, क्योंकि साबर मंत्र सबसे सरल है लेकिन भाव का मंत्र है। जैसा भाव है वैसा ही साबर मंत्र चलेगा। और दूसरी बात है, साबर मंत्र कभी भी किताब से उठा के से डायरेक्टली पढ़ना शुरू मत कीजिए, क्योंकि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। हो सकता है कि किसी ने इस किताब में सही मंत्र लिखा है और बिना जाने सुने आप उस चीज़ को करते हो और आपको उसका जो है ठीक से फल नहीं मिलता है और हो भी सकता है उल्टा फल मिलता है, ठीक है ना। साबर मंत्र को समझने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, साबर मंत्र
आखिर क्या है साबर मंत्र? वन क्वेश्चन, साबर मंत्र क्या है? साबर मंत्र एक भक्ति और प्रेम का मंत्र है, और कोई बलपूर्वक का भी मंत्र है। भक्ति प्रेम में कुछ मंत्र कहा जाता है, बलपूर्वक में कुछ मंत्र कहा जाता है, लेकिन हर चीज़ में ये भगवान उस जो मंत्र को कहता है उसको बच्चा समझते हैं। तो लोग बच्चा समझ के कुछ भी छोड़ देते हैं, कुछ उनका ऊपर कोई क्षति नहीं। लोग कहते हैं साबर मंत्र कहने के बाद इतना दोष लगेगा। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसा साबर मंत्र है जिसमें कोई आण वगैरह कुछ नहीं है, आराम से साबर मंत्र कर सकते हैं। तो हर इंसान को थोड़ा सा अपना सुरक्षा के लिए, घर का सुरक्षा के लिए, सारे सुरक्षा के लिए साबर मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। अगर मानो मेरे साथ ऐसे सिचुएशन अगर कभी हुआ, अगर आपका घर में कोई शूतक वगैरह चल रहा है, उस टाइम आप कोई पूजा पाठ हवन वगैरह नहीं कर सकते, उसी टाइम में साबर मंत्र चल जाएगा। उस साबर मंत्र चलता है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि आध्यात्म में आने से पहले मैं जब बाहर में रहता था मुझे साबर मंत्र का ज्ञान थोड़ा हुआ था, क्योंकि साउथ इंडिया में एक जो है एक व्यक्ति ने मुझे एक दो साबर मंत्र दिए थे। वो प्रचलित साबर मंत्र में आगे उसका बोलूँगा एक दूसरा वीडियो में, कैसे आपको उसको जागृत करना है, सिद्ध करना है ना। तो साबर मंत्र क्या है, मानो इस दिवाली में आपको साबर मंत्र सिद्ध किए, वो अगले दिवाली में आपको फिर से उसको जागृत करना पड़ता है। अगर जागृत नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम जाता है, ये मेरा मानना है। कहाँ तक सत्य है इस बात को पता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ ये साबर मंत्र का जो रहस्य, उसको नाथ पंथ के जो गुरु लोग हैं वो हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि हम इसका पूरी तरह से शोध करता नहीं है। हमको अगर दूसरा मंत्र कहेंगे उस बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो लेकिन साबर मंत्र में मैंने भी कुछ साबर मंत्र का प्रयोग किया है, उसको मैं आगे आप लोगों को देते जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है साबर मंत्र में, जैसे आप किसी भी गुरुजी की पूजा करते हो, जैसे गुरु गोरखनाथ बाबा हो, बाबा काणिबनाथ हो, कोई भी जो है किसी भी पंथ का पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप साबरी माई का भी पूजा जरूर करना। और साबरी माई को आप शिव में ही उनको प्राप्त कर सकते हैं, यानी शिव स्वरूप है साबरी माई को अगर आप ध्यान करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में साबरी माई का आप उनका आशीर्वाद पाना जरूरी है, नहीं तो साबर मंत्र में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि साबर मंत्र एक ऐसा मंत्र है, जब तक आपका अंतःकरण स्वच्छ ना हो और जब तक आप उस मंत्र पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा। पहली बार क्या है, और एक बात मानिए, जैसे भी जो देवता का जो तत्व रहता है वो तत्व साबर मंत्र में रहता है। ऐसा नहीं कोई हनुमान जी का साबर मंत्र है और आप उन पर मदिरा चढ़ा सकते हो, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ दूसरे पद्धति में, जैसे स्मशान वगैरह में कुछ होगा उस पद्धति में हो सकता है, लेकिन जहाँ पे सात्विक अनुष्ठान लिखा है वो सात्विक ही होता है। इसीलिए मैं जब पहले तामसिक भोजन करता था उस टाइम में हनुमान जी का कोई साबर मंत्र ठीक तरह से काम नहीं करता, लेकिन जब से मैं शाकाहारी बन गया हूँ साबर मंत्र का अगर मैं पाठ भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे उबासी आने लगती है और मेरे अंदर का सारे नेगेटिव जो भी ऊर्जा है अगर थोड़ा बहुत भी रहता है, हमेशा जो पूजा पाठ करता है हालांकि उसको नहीं रहता है, फिर भी 100 हर क्रिया का प्रतिक्रिया रहता है। आप 100% मारेगे तो कोई 1% तुमको ही मारेगा, तो वो जो प्रतिक्रिया होता है ना, वो प्रतिक्रिया थोड़ा सा जो अंदर में वो भी निकल जाता है। इसलिए साबर मंत्र को कोई सस्ता या गंदी भाषा में कह रहा है ये कह रहा है बोल के उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली है, प्राण रक्षक मंत्र है। इसीलिए क्यों अघोरी इतना पावरफुल होते हैं, वो कभी भी वैदिक तंत्र को मंत्र उठा के नहीं करते हैं, तंत्र मंत्र को करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ ही महाविद्या का भी साधना करेंगे तो पीताम्बरा माई का भी साधना करेंगे तो वो साबर मंत्र को प्रयोग करेंगे, और तारा माता का भी करेंगे तो साबर मंत्र का प्रयोग करेंगे। इसीलिए जो चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत सारे देवादेवों का मंत्र साबर मंत्र में है, और इसमें क्या है ये तीव्र होता है। अगर आप एक साबर मंत्र करेंगे तारा माता का, वो इतना तीव्र होता है मानो 1,00,000 आप उनका बीज मंत्र जाप करोगे, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है साबर मंत्र। तो इसीलिए साबर मंत्र को कभी भी आप ऐसा मत समझना कि साबर मंत्र का प्रयोग कैसे काम करेगा क्या नहीं, क्योंकि जब तक आपका मन में भक्ति नहीं आएगा तब तक साबर मंत्र काम नहीं करेगा। और तीसरी बात है, अहंकार करके साबर मंत्र अगर किसी को दिखाने के लिए बोल रहे हो तो वो सिद्धि नष्ट हो जाता है, ये ट्राई करके देखना। कभी भी अगर मानो आपने कोई साबर मंत्र सिद्ध किया है और सामने वाला पार्टी को ये बोल रहा हो कि देख मेरे पास गुरु गोरखनाथ का ये मंत्र है, मैं अभी चलाता हूँ, आपका सिद्धि तत्क्षणात् नष्ट हो जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है, कोई माने या ना माने। ये खुद मेरे साथ हुआ है, मैंने एक बार मेरे बहन के ऊपर जो है मेरे
जो सिस्टर है उनका पर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया था, तो उसका सामने मैंने जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर ऐसे बजरी बजरी बाड़ा बजरी ऐसे करके बोल रहा था, तो वो मंत्र कुछ काम ही नहीं दिया और ज़िंदगी में उस मंत्र का मैं कभी प्रयोग कर ही नहीं पाया। बाद में उसको फिर से कभी जागृत करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि कभी भी साबर मंत्र का प्रयोग करते हैं तो अपना भक्ति भाव से करिए और उस मंत्र का प्रति आस्था विश्वास और प्यार रहना चाहिए, उस मंत्र को प्रेम करना सीखिए, तभी जाके वो काम करेगा। हालांकि बहुत सारे अढ़िया वगैरह जो है और बहुत ही भराठे वो बहुत अलग अलग टाइप का मंत्र है, लेकिन मैं ये कहूँगा जो मंत्र बहुत सारे आगे मैं एक वीडियो में आपको एक मंत्र देने वाला हूँ, वो मंत्र वो लिखा वो सभी को पता है, वो प्रचलित मंत्र है, उसको अगर आप जागृत करेंगे ना, आप अगर आप साधना क्षेत्र में बैठ रहे हैं अपना सुरक्षा पूरी तरह से कर सकते हैं, एक मंत्र में सारी सुरक्षा हो जाएगा। इसलिए आप साबर मंत्र को कभी भी छोटा मत समझिए, क्योंकि साबर मंत्र ब्रह्मांड का बहुत शक्तिशाली मंत्रों में आता है। बहुत सारे गुरु लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो बेकार का है, अगर आप सिद्ध कुंजी का जाप करते हो ये करते हो बहुत होता है, लेकिन देखिए हालांकि वो मंत्र क्या होता है, 1.25 लाख जाप करने के उसको लंबा समय तक वो जागृत रहता है, लेकिन ये मंत्र थोड़ा हर साल हर एक दो साल में हर तिथि में जागृत करना पड़ता है। जैसे इस बार आप चंद्र ग्रहण में किए तो अगले बार किसी ऐसे रामनवमी दिवाली या दशहरा ऐसे में देख के आपको करना पड़ता है, तो जाके सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे राहु के लिए, चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए बहुत सारे साबर मंत्र हैं, तो उनको क्या है वो आपको लगेगा कि ये लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मंत्र में बहुत सकती है। इसलिए साबर मंत्र को कभी भी आप जो है नीच स्तर का मत देखिए, साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली। मैं खुद जनौधारी हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद महादेव का उपासक हूँ, मैं माता का उपासक हूँ, लेकिन मैं साबर मंत्र को सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि जो इंसान हर मंत्र हर गुरु हर ज्ञान को सम्मान देता है वही जो आगे बढ़ सकता है। अगर कोई ज्ञान किसी का ज्ञान को तोलने के लिए लगेगा ना, और ज़िंदगी भर दूसरों का गलती ही निकालेगा, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। अरे वो तो फलाना व्यक्ति ने नवाण मंत्र ऐसे बताया है, उसको ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो वाणी खराब करता है उसका वाणी ही नष्ट होता है, दूसरे का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए साबर मंत्र का रहस्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। पहली पॉइंट, साबर मंत्र को कभी भी ऐसे कोई भी किताब उठा के सिद्ध मत करना, अच्छे गुरु से साबर मंत्र लेना और उनको उसके बदले उनको कुछ जो है दक्षिणा वगैरह फल वगैरह उनका वस्त्र वगैरह दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। और पहली बात है, अगर ऐसे आप जागृत कर रहे हैं साबर मंत्र, तो उसका भी विधान है, उसमें जैसे कांसे को थाली को उसमें जो खैर की लकड़ी से उसको बजाया जाता है भस्म लेपन करके, वो भी विधि है, आपको बुक में मिल जाए, लेकिन उसको करने से पहले भी आप गुरु को परामर्श कीजिए, गुरु साथ परामर्श करने के बाद आपको सुविधा होता है। और साबर मंत्र सिद्ध होने के बाद किसी को जोर जोर से नहीं बोलना है और ना ही किसी को सामने दिखावा करना है और ना ही साबर मंत्र पे कभी घमंड करना है। और सबसे पहले साबर मंत्र करने से पहले किसी को पूजा करे ना करे आदिनाथ माता रानी और जो है साबरी माई की पूजा जरूर करना। साबरी माई कौन है अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उनका रहस्य बताने में 2 घंटा लग जाएगा। इसीलिए साबर मंत्र इतना शक्तिशाली है कि वो बाण की तरह चलता है, वो कभी खाली नहीं लौटता है, वो बजेगा ही बजेगा। और साबर इसीलिए सबसे लोग क्यों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहते हैं, जो कपालिक होते हैं अघोरी होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना गुरु परंपरा से आदिनाथ का भी साबर मंत्र उन लोगों के पास होता है, वो गुरु परंपरा से चले हुए आता है, ठीक है ना। इसलिए साबर मंत्र भाव का मंत्र है, एक लाइन में समझो तो भाव का मंत्र बोला जाता है साबर मंत्र, जैसा भाव ऐसा शक्ति वैसा ही काम। इसलिए अगर इंसान है, अगर इंसान मतलब इंसान एक अगर सच्चा इंसान है, वो कभी भी किसी भी मंत्र को कभी भी नीचा या ऊंचा नहीं कहेगा, मंत्र तो मंत्र होता है। लोग में हमेशा देखिए, जैसे लोग ऐसे बात बात में हम कह देते हैं कि ये छोटा सा मंत्र है, तो लोग उसी को पकड़ते हैं, मंत्र को छोटा बोल रहा है और दुर्गा सप्तशती के बारे में मत ज्ञान दे। देखिए लोग अक्सर ना मेरे जो दुर्गा सप्तशती का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में कोई मुझे उत्तर देना नहीं आया, नहीं दिया अभी तक उत्तर, वो खाली पूछते हैं इसमें बता कि कितने में मारण है कितने उच्चाटन है। अरे वो हर डॉक्यूमेंट में लिखा है कहाँ पे 200 श्लोक है कहाँ पे 90 श्लोक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो संस्कृत में श्लोक में है कि कहाँ पे कितना मंत्र लिखा हुआ है, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। इसलिए साबर मंत्र को वही लोग नीच कहते हैं कि हम साबर मंत्र नहीं मानते, खुद कहते हैं कि हम कोई ज्योतिष वगैरह नहीं मानते, लेकिन हाथ में 10-15 रत्न जोड़ के बैठे हैं लोग। तो यही है, लोग क्या है, लोग ना किसी तरह से जानते नहीं है। ज्योतिष लोग कहते हैं कि साबर मंत्र कुछ काम नहीं करता है, वैदिक मंत्र, पर वो
लोग ही साबर मंत्र का जो है प्रथा को भी मानते हैं। तो इसीलिए साबर मंत्र का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, उसको समझना जरूरी है। और साबर मंत्र को एक बार कोई समझ लेता है उसको सम्मान देने लगता है। साबर मंत्र बाण की तरह चलता है, आपके लिए SOS है, यानी कभी भी किसी भी हालत में इसका उपयोग कर सकते हो। कहीं पर जा रहे हो उसमें आपको कोई हवन का जो है लकड़ी वगैरह नहीं मिलेगा और ना ही बेड्स के हवन कर सकते हो, किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जड़ गया तो उसी वक्त आप उसका जाप करोगे तो तुरंत छोड़ के चला जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। अब कितना जाप करोगे, उधर बैठ के माला लेके बस में जाप करोगे या ट्रेन में जाप करोगे या प्लेन में जाप करोगे, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए साबर मंत्र को जानना जरूरी है। एक बार साबर मंत्र जान गए तो ज़िंदगी में कभी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यही था साबर मंत्र का पूरी रहस्य। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट्स कीजिए। जय शंकर, जय शंकर, ओम नमः।